सब्सक्राइब कीजिए एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और आरटीआई रिप्लाई के लिए, और साथ ही एडवांस मैथ्स की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मैथ्स के जितने भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हुए हैं। आपको हार्ड क्वेश्चन ही मैंने करवाए हुए हैं, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मेंस के लिए स्पेशली। सो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता ही था, जो आपका 26 तारीख को केस कोर्ट में होना था लिस्ट, तो वो 26 को नहीं हुआ, 26 मार्च को, और उसके बाद 1 अप्रैल को जो है वो केस की इन्होंने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी थी। तो अब ये केस जो है वो लिस्ट हो चुका है और ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, तो केस लिस्ट हो गया। तो इस दिन फिर आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या क्या कुछ होगा, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी डिस्कशन में आपको बताऊंगा, होप कि कोई वर्डिक्ट आ जाए ताकि आपका सीजीएल 2017 में भी ये पहले कंडक्ट करवा ले, अगर कोई वर्डिक्ट अभी भी आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट से बेस्ट रखिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है और कैंसिल नहीं होता है उस केस में भी आपको सीजीएल 2018 की तैयारी जो है वो बेस्ट से बेस्ट करनी ही है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, धन्यवाद।